जिले में बीते दिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST एक्ट में बदलाव और सरकार द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान की समीक्षा करने की बात के बाद दलित समाज में एकजुटता दिखाई। शहर में सुभाष त्राय से सैकड़ों की संख्या में जुलूस में रूप में एकत्रित होकर सड़कों पर उतरे, तो वहीं दुर्गा नगर एवं कई बाजारों में दुकानों को बंद करवाया। नारखी में दो पतला दहन करने के बाद धरना दिया गया। पचोकरा में जबरन कई दुकानें सैकड़ों की संख्या में एकत्रित लोगों ने बंद कराई। वहीं कई स्थानों पर बंदी का असर भी दिखा। फिरोजाबाद से स्वराज सिंह, जिला संवाददाता की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। किस तरह से ये रैली निकाली जा रही है? ये रैली शांतिपूर्वक पूरे बाजार को बंद कराने के लिए, पूरे भारत बंद को बंद कराने के लिए रैली निकाली जा रही है, क्योंकि जो शासन प्रशासन है अपना जुल्म ढा रहे हैं SC/ST के लोगों पर। ऐसा क्या जुल्म ढा रहे हैं ये पुलिस प्रशासन? जो SC/ST का जो कानून था, बहुत पहले से लागू था, बाबा साहब ने लागू कराया था, उसको ये बंद करा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या करेंगे आप? ऐसा नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे, रोकेंगे इसको, आंदोलन। मेरा नाम मंगेश कुमार। आज किस तरह की रैली निकल रही है? ये जो SC/ST एक्ट खत्म किया गया है और जो इसके कारण अब दलित समाज पर जो अत्याचार होंगे, अभी तक होते आए हैं, जब ये कानून था, अब ये कानून हटा दिया गया है तो अब और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, तो अब उसके विरोध में हम इस रैली को निकाल रहे हैं। फिरोजाबाद के शास्त्री मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि हमको ऐसा कोई पता नहीं था कि आज बाजार बंद रहेगा। सभी को मालूम है, और आज से नहीं, सभी को मालूम है।